वोटें गलत किया गया है। योगी जी को और मोदी जी ने ये नगर निगम के चुनाव की शुरुआत है। यहाँ पे कुछ माननीयों के कारण चंद दिनों पहले कांग्रेस से शामिल हुए बीजेपी में, जिन्होंने 2017 के चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को खूब पानी पी करके गरियाया, गालियां दिया, उसके बाद उन्हीं का महिमा मंडप किया जा रहा है, जो अत्यंत अशोभनीय है और अत्यंत निंदनीय है। हम लोग इसके विरोध में हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता बरसों से पार्टी को बनाने में लगा हो, उसको सम्मान ना दे करके दूसरे को सम्मान देना ये किसी प्रकार का औचित्य नहीं है, और इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप हमने अपनी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा का नामांकन दाखिल कराया, और इसी प्रकार पार्षदों के टिकट के वितरण में भी हुआ है। लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई 25 साल का कार्यकर्ता है, कोई 15 साल का कार्यकर्ता है, कोई 10 साल का कार्यकर्ता है, लेकिन उनको भी सम्मान नहीं दिया गया। और हम लोग एकजुट होकर के 60 वार्डों के पार्षदों को लेकर के और इस नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, और कल तक सारे लोगों से वार्ता हो जाएगी, बैठक हो जाएगी। एक अंतिम बैठक हमारी कल शाम को होगी, जिसमें इनको ये दिखाई पड़ेगा कि 60 वार्ड के पार्षद किस प्रकार से एकजुट होकर के हमारे द्वारा किए गए कृत्यों का विरोध कर रहे हैं। अब या तो ये हो सकता है कि इन्होंने अपने चहेतों को दिया, या सुधा सुख की संस्कृति के चलते दिया, जैसा भी है, लेकिन हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे। बताइए, कल को वो आदमी आया और उसके बाद वो मोदी जी को, योगी जी को चुनाव में गालियां दे रहा हो, कह रहा है मोदी जी आप खेत काट रहे हो, ये कांग्रेस की देन है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अभी किसी मीडिया बंधु ने पूछा कि अयोध्या का मुद्दा क्या है, तो वो कहते हैं कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, अब तो सब विश्व पटल पर जा रहा है, यानी कि यहाँ नागरिकों से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको जल भराव जनौरा का नहीं दिखाई पड़ता, आपको जल भराव जलवानपुरा का नहीं दिखाई देता, आपको यहाँ की टूट फूट नहीं दिखाई देती, आपको गरीबों का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे प्रत्याशी को भी सबक सिखाना जरूरी हो गया है, और इसके लिए हम चुनाव मैदान में हैं, और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग